दोस्तों, सत श्री अकाल सभी को। राम राम। मैं टेक्नीशियन ब्रो चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो है अशोक लाइलैंड की गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, ZF36 जो गियर बॉक्स है, ये देख लो आप लोग। ठीक है, ये जो गियर बॉक्स है इसके ऊपर है कि इसके जो रिवर्स गियर में प्रॉब्लम आती है तो वो क्यों आती है, इसके ऊपर पूरी वीडियो है। ये जो वीडियो है, ये जो आप लोग शाफ्ट देख ले हो, ये स्टालियन के गियर बॉक्स की रिवर्स शाफ्ट है। ठीक है, इसमें क्या फॉल्ट आता है जो रिवर्स गियर नहीं लगता, बाकी सारे गियर लगते हैं, वो इसी की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है ये देखो क्रैक है, ये क्रैक क्रैक होने से ये क्या है, वहीं जाम हो जाती है। ये देखो क्रैक है, ये हमने पुरानी बदली की है। इसमें दिखने वो देखो थोड़ा सा दिख रहा है, ये क्रैक है जिस कारण से रिवर्स गियर में फॉल्ट आ जाता है, नहीं लग पाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये पूरा इसी गियर बॉक्स का है। ये देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो शाफ्ट है। ठीक है, मैंने लगा दिया है नया। इसको लगाने का तरीका यही है, इसको पहले पूरा ये गियर निकालने पड़ते हैं इसके अंदर से। इसकी ये पिन है, ये वाली पिन है, जो ये पिन निकालनी पड़ती है तब ये शाफ्ट निकलती है। ये लगाने के बाद फिर ये सिलेक्टर है, इसके सिलेक्टर पत्ती होती है, इसी से गियर सेलेक्ट होते हैं जो। ठीक है, ये इसमें आने हैं ऐसे। ठीक है, ये देख लो ऐसे लगना है, पर ध्यान देना जब ये दोनों गियर वो डालने पड़ते हैं तब ये जो है, तब है ये जो है निकाल के रखा, इसको डाल डाल कर ही जैसे ये डल जाएंगे दोनों तब ही इसको डालना। अब ये डल गया है, ठीक है, ये दोनों डालना। और डालने का भी एक SMT बना रखी है, वो दिखाता हूँ आपको। यही है वो SMT जो हमने बना रखी है। ठीक है, ये खुद बनाई है, गोल पाइप काट के उसमें दो नट लगा के, उसमें 13 का नट लगा के ये हैंडल है। ये हैंडल की मदद से हम पकड़ते हैं, दिखा देता हूँ कैसे लगना। ये जो शाफ्ट है इसमें ये वाले गियर पहले घुसा देने हैं, उसके बाद ये लगना है। ठीक है, ये जब आप लगा दोगे तो ये नट टाइट कर देना। इसमें क्या, आप पकड़ के इसको जब खड़ा करके जब डालोगे ना इसके साथ में तो ईजी डल जाता है। ठीक है, नहीं तो आदमी इसके अंदर हाथ डालता है, कई बार छूटने से हाथ कट सकता है। ठीक है, गियर काट देते हाथ, और वजन भी है नहीं सहा पाता। तो ये जो SMT हमने बनाई है इसीलिए है। ठीक है, यही है, इन दोनों को एक साथ करके ही डालना है, अलग अलग नहीं डलती है, डलेगी भी एक साथ। दोनों को जोड़ के एक बंदा इसको पकड़ लेगा ले शाफ्ट को, एक पकड़ लेगा मेन शाफ्ट को। ठीक है, ये ऐसे डाल के डालना है इसकी मदद से, खड़ा करके वो भी, और साथ में ये पूरे फोर्क शिफ्टर, ये जो जितने भी ये है, ये सब जो पड़े हैं ये भी लगने हैं, तब जाके होगा ये। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे भाइयों को कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले।